में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। रानीपुर कोतवाली इलाके में प्रशासन की टीम ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी मजार पर बुलडोजर चला दिया। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। हरिद्वार में जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने बहतराबाद इलाके में अवैध निर्माण बुलडोजर कार्रवाई की। देखिए किस तरह से भारी सुरक्षा बलों के साथ जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने मजार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन के मुताबिक गढ़मीरपुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाया गया था। इसके अलावा मजार बनाने के लिए प्रशासन से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए डीएम की अनुमति अनिवार्य है। हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में एक पुनर्वास विभाग की जगह थी, मीरपुर गाँव है हरिद्वार तहसील में, तो वहाँ पर लगभग 0.97 हेक्टेयर ज़मीन थी, तो उसमें से लगभग 2 बीघे ज़मीन पे, वास्तव में ये ज़मीन तो किसी ज़माने में ये यूपी सिंचाई की थी, उन्होंने कृषि का पट्टे दिए थे, अस्थाई पट्टे थे, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गए थे। तो समाप्त होने के बाद नियमित तरीके से उसमें कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर 2 बीघे में लगभग तैयार कर लिया गया था। तो पुनर्वास विभाग की जगह थी, पुनर्वास निदेशक का भी अनुरोध आया था इसके अंतर्गत कि हमारी ज़मीन खाली कराई जाए, तो उसी के क्रम में इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया था और उन्होंने वादा भी किया था कि समय से हटा लेंगे उसको, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। तो इसी के क्रम में आज चूँकि वो अवैध अतिक्रमण था तो उसमें विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसको हटाया गया मौके से, पुलिस प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग का सहयोग लेते हुए हटाया गया। मजार पर कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिया गया था, पर मजार पर रहने वाले लोग इस बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक मजार के साथ साथ जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। प्रशासन ने उस जमीन को भी कब्जा मुक्त करा लिया है। हरिद्वार में पिछले कई दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान चल रहा है, जिसके तहत लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और शनिवार को इस कार्रवाई के तहत जो मीरपुर गांव में अवैध रूप से मजार बनी हुई थी उसको गिराने का काम किया है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी और कालाबाजारी की